इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड अंतरा हाइड्रोजन यौगिक है, क्या समझे? जब दो अलग अलग हाइड्रोजन मिलकर के किसी द्विअंगी सहसंयोजक यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अंतरा हाइड्रोजन यौगिक कहते हैं। तो डेफिनेशन लिख लो इसकी। हाइड्रोजन की पारस्परिक क्रिया फल स्वरूप बनने वाला यौगिक अंतरा हाइड्रोजन यौगिक कहलाता है। अंतरा हाइड्रोजन यौगिक कहलाता है। बनने वाला यौगिक अंतरा हाइड्रोजन यौगिक कहलाता है। ठीक है, समझ में आया? ये इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड जो होते हैं ये हाइड्रोजनों के मिलने से ही क्या होते हैं? अब आप जानते हैं अलग अलग हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, अलग अलग होती है, तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी भी अलग अलग होगी। यानी ऐसे जो कंपाउंड होते हैं ये एक प्रकार के पोलर कंपाउंड होते हैं, है ना? कैसे होंगे? ध्रुवीय कंपाउंड होंगे। ठीक है, इन कंपाउंड के फॉर्मेशन में हीट जो होती है ये रिलीज होती है। ठीक है, हीट रिलीज होने के कारण जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी कि एक्सोथर्मिक होगी? एंडोथर्मिक होगी, ऊष्मा शोषक क्रिया होगी। ठीक है, रिएक्शन कैसी होती है? एंडोथर्मिक होती है। क्लियर है? इसका जो हाइड्रोजन जो मैं सामान्य सूत्र होता है इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड का, ये हम मान लेते हैं AXCN है, है ना? क्या होता है ये? AXCN होता है, जहां A जो होता है ये भारी हाइड्रोजन परमाणु होता है। ठीक है, क्या होता है? भारी हाइड्रोजन परमाणु होता है। X जो होता है ये हल्का हाइड्रोजन परमाणु होता है। ठीक, ये जो है ये विषम परमाणुओं की क्या होती है? विषम परमाणुओं की संख्या है। मैंने क्या बताया? X ये जो है ये भारी हाइड्रोजन होता है, X जो है हल्का हाइड्रोजन परमाणु है, और N जो है इसकी विषम परमाणुओं की संख्या है। तो ये इसका सामान्य सूत्र है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए ICl है X टाइप का, ठीक है, IF3 है X3 टाइप का, IF7 है ना? IF7 AX7 टाइप का एक्सेट्रा। तो ये सभी क्या है? यहाँ पे इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड है। ठीक है, क्लियर है? तो आप लिख लो, कहां तक लिखे हो? अंतरा हाइड्रोजन यौगिक कहलाता है। ठीक है, लिख लो, इनकी क्रिया के फलस्वरूप, इनकी क्रिया के फलस्वरूप उष्मा मुक्त होती है, उष्मा मुक्त होती है। इस प्रकार ये उष्मा से भी अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार ये उष्मा से भी अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। उष्मा से भी भाई उत्पन्न हो रही है ना, तो एंडोथर्मी की तो लिखा हूं मैं। उष्मा से भी एंडोथर्मी, उष्मा से भी अभिक्रिया, एक्सोथर्मी की बात है, उष्मा से भी।
सर आपके लिए हेलो बॉस ए छुट्टियां पर गई हां वो भी ना एग्जाम की सभी जानकारी हो गई कि पोस्टपोन हो गया सीमा से की क्रिया होती है देख लो अंतर हैलोजन यौगिक अंतर हैलोजन यौगिक बनाने का सामान्य सूत्र AHCN होता है यौगिक बनाने का सामान्य सूत्र AHCN होता है अभिक्रिया कौन सी होती है ऊष्मा क्षेपी होती है एक्सोथर्मिक होती है AHCN होता है ठीक है बाकी कॉपी कर लो और अंदर एग्जांपल इधर करेंगे देखो अंतर हैलोजन यौगिक में ठीक है इंटर हैलोजन कंपाउंड में जो दूसरा हैलोजन परमाणु होता है इसकी संख्या क्या होती है इसकी संख्या विषम होती है विषम क्यों होती है क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट जो होते हैं इनके ये क्रमशः इनकी जो प्रथम द्वितीय और तृतीय ऑक्सीडेशन स्टेट होती है आद अवस्था है ग्राउंड स्टेट में है तो अनपेयर्ड नंबर आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक होंगे ठीक है एडमिट इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी प्रथम उत्तेजित अवस्था में प्रथम एक्साइटेड स्टेट यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इसमें अनपेयर्ड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये तीन होते हैं सेकेंड में कितने होते हैं और थर्ड में यानी ग्राउंड स्टेट में प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं जबकि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में प्लस थ्री को और सेकेंड में प्लस फाइव को और थर्ड में प्लस सेवन एक्साइटेड स्टेट क्या करते हैं सेवन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं शो करते हैं इसके कारण इनकी जो संख्या होती है दूसरे हैलोजन परमाणुओं की जो संख्या होती है वो सम ना हो करके क्या होती है विषम होती है ठीक है क्यों क्योंकि इनकी प्रथम द्वितीय ऑक्सीकरण उत्तेजित अवस्थाएं जो होती है क्रमशः तीन पांच क्या होती है ग्राउंड स्टेट में नंबर अपन पेड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इनके एक होते हैं ठीक है जैसे एग्जाम्पल के लिए देखे हम कोई एक सेटम एक मन मान लिया सीएन है ठीक है 17 है 1s2 2s2 2p6 है और 3s2 3p5 है ना क्या हो गया 3p5 होगा देखो यहाँ पर 3s2 आउटर मोशन 3 है तो इलेक्ट्रॉन 3p5 है अब जानते हो पीवी कितने ऑर्बिटल ये तो इसकी ग्राउंड स्टेट है कि नहीं है तो यहाँ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे एक लेकिन ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट अगर मैं इसका सो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट सो करे है तो एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट करेगा इस सेल में तो नंबर अपने अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसके थ्री हो जाएंगे क्योंकि ये तो यहां से जाएगा यहां से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा देखो तो यहां तो दो रहेंगे यहां एक हो जाएगा यहां एक हो जाएगा एक कहां चला जाएगा रिसेप्शन तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इसकी जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है कितनी हो जाएगी इसी तरीके से अगर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट शो करे तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके बोलो पांच होंगे पांच नहीं हो जाएंगे और थर्ड वाले में क्या होगा थर्ड एक्साइटेड स्टेट में इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी कितनी हो जाएगी सात हो जाएगी तो ये विषम संख्याएं हैं कि नहीं है तीन पांच सात इसलिए दूसरा परमाणु कैसा होता है विषम होता है प्रिपरेशन मेथड देखो
प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलोजन यौगिक बनाने की जो विधियां हैं, देखो IF7 को अगर छोड़ दिया जाए, ठीक है, IF7 को अगर छोड़ दिया जाए तो जितने भी अंतरा हेलोजन यौगिक हैं, ये हेलोजनों के पारस्परिक क्रिया द्वारा बन जाते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे देखें, अगर हम लोग जैसे I2 की रिएक्शन अगर मैं Cl2 के साथ कराऊं तो ये ICl बनता है, या I2 की रिएक्शन अगर मैं Br2 के साथ कराऊं तो IBr3 बनता है, ठीक है, या I2 की रिएक्शन मैं करा दूं Cl2 के साथ IClY बनेगा, तो ये हाइड्रोजनों के पारस्परिक क्रिया द्वारा ये अंतरा हाइड्रोजन यौगिक बन जा रहा है। लेकिन जब हमें IF7 बनाना होता है तो हम यहाँ IF5 की रिएक्शन F2 के साथ कराते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है, यहाँ हाइड्रोजनों के पारस्परिक क्रिया द्वारा IF7 नहीं बनता है। वैसे एक इंट्रा हाइड्रोजन यौगिक जब एक हाइड्रोजन एटम से करता है तब IF7 बनता है, जबकि यहाँ देख रहे हैं ये हाइड्रोजनों के पारस्परिक क्रिया द्वारा ये सभी क्या होता है। तो IF7 को छोड़ दिया जाए तो जितने भी अंतरा हाइड्रोजन यौगिक है सब हाइड्रोजनों के पारस्परिक क्रिया द्वारा क्या होते हैं, बन जाते हैं, ठीक है। आगे देखो क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं हम लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड IC से मैंने नोट करा, ठीक है। इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड का अगर मैं क्लासिफिकेशन देखूं तो ये जो कंपाउंड होते हैं ये चार प्रकार के होते हैं। पहला तो AX टाइप के होते हैं, दूसरा AX3 टाइप के होते हैं, तीसरा AX5 टाइप के होते हैं, और फाइनली AX7 टाइप के होते हैं। AX का जो एग्जांपल है जैसे IBr है, ICl है, CLF है, ये सभी हो गए। AX3 का देखने जा रहा हूं जैसे IBr3 है, BrF3 है ना, CLF3 है। AX5 टाइप का देखें जैसे IF5 है या CLF5 है, है ना, IF5 है, CLF5 है। इसी तरीके से AX का देखें तो ये IF7 इसका एक एग्जांपल है। तो इसको इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड को, अंतरा हाइड्रोजन यौगिक को हम लोग चार पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, एक AX टाइप का, एक AX3 टाइप का, दूसरा AX5 टाइप का, और इसका क्या AX7 टाइप। देखो जब ये AX टाइप के क्या होते हैं तो इसके जो एग्जांपल IBr, यानी यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट IB क्या होगी, +1, यहाँ आई की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, यहाँ देखो मैं आई को ऐसे में डिनोट कर, एक ही जगह पर कोई भी कंपाउंड एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगी, और यहाँ पर क्या होगी, और यहाँ पर +7 होगी, ठीक है, क्या क्लियर है। क्लासिफिकेशन हो गया है ना, क्लासिफिकेशन। अगर इसके फिजिकल स्टेट की बात करें हम लोग, ठीक है, तो फिजिकल स्टेट की बात करें तो सॉलिड, ये लिक्विड और ये गैस की बात, ठीक है। तो सॉलिड में IClY3 ये सॉलिड होते हैं, ठीक है,
Br या फाइव लिक्विड होते हैं, Cl या थ्री ये कैसे होते हैं गैसीय स्टेट में पाए, यानी जो इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड होते हैं ये तीनों स्टेट में क्या होते हैं पाए जाते हैं, ये सॉलिड में भी पाए जाते हैं, लिक्विड में भी पाए जाते हैं और गैस में भी पाए जाते हैं। ठीक है, जिसका एग्जांपल जो है ये है ना, तो फिजिकल स्टेट में आप देख लेंगे अंतरा हाइड्रोजन यौगिक तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। अंतरा हाइड्रोजन यौगिक तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। सॉरी सॉरी, यहाँ आईसीएल ओनली होगा, आईसीएल थ्री, आईसीएल तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं, सॉलिड में आईसीएल, लिक्विड में BrF3, गैस में CrF3। और भी होते हैं, हम तो सिर्फ एग्जांपल दे करके ही तो चल रहे हैं। ठीक है, ये डिस्कशन है, आवाज नहीं आई, कलर देखो। अगर मैं क्लोरीन के अंतरा हाइड्रोजन यौगिक को छोड़ दूं तो जितने भी अंतरा हाइड्रोजन यौगिक होंगे सब कलरफुल होंगे, रंगीन होंगे, लेकिन क्लोरीन के अंतरा हाइड्रोजन यौगिक रंगहीन होते हैं, बाकी सभी अंतरा हाइड्रोजन यौगिक कैसे होंगे रंगीन होंगे। ठीक है, अगर मैं इसकी चालकता की बात करूं, कंडक्टिविटी की बात करें हम लोग, ठीक है, तो जितने भी अंतरा हाइड्रोजन यौगिक का यौगिक होते हैं उनका जलीय विलयन कैसा होता है, विद्युत का चालन करता है। मैंने आपको बताया कि एक पोलर कंपाउंड बनाते हैं, जैसे आईसीएल, आईसीएल को जब आप पानी में डालते हो तो ये आई प्लस और सीएल माइनस में क्या हो जाता है, टूट जाता है। इन्हीं आयनों के द्वारा इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है कहां पे, जलीय विलयन में, लेकिन जब ये सॉलिड स्टेट में होते हैं तो इलेक्ट्रिक कंडक्ट नहीं कर पाते, क्यों, क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है ना। तो जब ये एक्वस सॉल्यूशन में होते हैं तो ये जलीय विलयन में विद्युत का चालन करते हैं। ठीक है, तो इनकी चालकता जो होती है जलीय विलयन में पाई जाती है। नहीं नहीं, इसी में ऑक्सीजन देख लो, अंतरा हाइड्रोजन यौगिक का जल अपघटन कराने पर, अंतरा हाइड्रोजन यौगिक का जल अपघटन कराने पर ऑक्सो अम्ल बनते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ
इंटर हैलोजन कंपाउंड होता है
है ना, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में होता क्या है, अगर मैं इसके आउटर मोस्ट अंतर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखूं तो ये हुआ इसका 3s, या ये s मान लेता हूं, और ये s में कितने होते हैं, और ये np में, np में 5 ना। तो जब ये ग्राउंड इसकी ग्राउंड स्टेट है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कहां जाएगा, बी सबसेल में जाएगा। तो इसकी जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी ये एनएस हुआ, और ये एनपी होगा। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, 3। और इसकी जो सैप होती है, जो संरचना होती है, ट्रिप्टी सैप होता है। संरचना कैसी होती है, टी सैप होती है, और हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या हो जाता है, संग्रहण क्या होगा इसमें, sp3d होगा, sp3d होगा। ठीक है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं ICl3 का ले लू, ICl3 मतलब आई, ये बॉन्ड Cl है, बॉन्ड Cl, और ये बॉन्ड, ये तो तीन तो बना लिए, अभी भी I के पास कितने लोन पेयर रखेंगे, 2 लोन पेयर आई के। इसकी जो साइप होती है देखो, ये टी साइप होती है, और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका, sp3d होगा। ठीक है, क्लियर है। देखो अगला जो है ये कौन सा टाइप होगा, ax5 टाइप। वहां सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, और प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट कब शो करता है, जब ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में हो। ये तो इसकी कौन सी स्टेट होगी, ग्राउंड स्टेट होगी, है ना। एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं, इसकी जो सैप होगी स्क्वायर प्राइमरी टाइप का होता है। ठीक है, सैप कैसा, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका, sp3d2 होगा। जैसे एग्जांपल के लिए देखते हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया IF5 के बारे में, है ना, सेंट्रल एटम क्या होगा, आई होगा, जैसी संरचना होती है इसकी। आई का अभी कितना लोन पेयर बचेगा, एक लोन पेयर बचेगा, उसके जैसे ठीक है। तो स्क्वायर प्राइमरी होता है, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होता है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट होती है, तब फिर इसमें IC होती है, और हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए वहां पर आई आई फाइव स्ट्रक्चर ऑफ ax5x7 टाइप इंटर हैलोजन कंपाउंड। ठीक है, इसमें जो सेंट्रल एटम होगा
वो किस स्टेट में होगा? प्लस सेवन स्टेट में, है ना। यानी इसका जैसे एग्जांपल है आपका आईएफ सेवन, मैंने इसके बारे में आपको बताया है, इसी को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी अंतर हाइड्रोजन यौगिक होते हैं वह हाइड्रोजन की पारस्परिक क्रिया द्वारा क्या हो सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, लेकिन आईएफ सेवन नहीं बनता। आईएफ सेवन बनाने के लिए एक हाइड्रोजन एटम दूसरा क्या होता है, अंतर हाइड्रोजन यौगिक होता है, है ना। अगर मैं इसके AX5 में सेंट्रल एटम एक ही अगर मैं ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो ये होगा आपका ये NS होगा और ये NP होगा। अब ये जो AX7 है, AX7 में सेंट्रल एटम ये किस एक्साइटेड स्टेट में होगा? थर्ड एक्साइटेड स्टेट में, है ना। तो इसकी जो थर्ड एक्साइटेड स्टेट होगी ये क्या होगी? ये होगी, है ना। यानी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होंगे कितने होंगे? सात होने से जो इसकी जो सैप होगी, इसका जो सैप होता है वो पंचभुजीय द्विपिरामिडल होता है, है ना। आई मीन पेंटागन, किस पेंटागन कैसा होता है? बाई पिरामिडल। और हाइब्रिडाइजेशन यहां क्या होगा बोलो? sp3 b3। मैंने एग्जांपल के लिए आपको बताया IF सेवन सेंट्रल एटम आई होगा, ये एफ इसके जैसे समझना, ये जो बॉन्ड होता है 1.79 एंगस्ट्रॉम का होता है, ये जो बॉन्ड होते हैं ये 1.8685 एंगस्ट्रॉम के होते हैं, ठीक है। और ये संरचना होती है हाइब्रिडाइजेशन sp3 ये बॉन्ड होता है sp3 d3 होता है।